नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां रालोद नेता जयंत चौधरी पहुंचे बड़ौत। लाठीचार्ज से पीड़ित आंदोलनकारी किसानों का पूछा हालचाल। बागपत जनपद के बड़ौत इलाके में आंदोलनकारी किसानों पर हुए लाठीचार्ज से पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए रालोद के नेता जयंत चौधरी आज अपने काफिले के साथ बड़ौत पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट, देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। और ये एकता बार बार नहीं बनती, कुछ मौके लोहा गर्म है, ये वक्त आ रहा है। मेरा कहना ये है कि गांव गांव निकल जाना चाहिए आपको। ये तो फैसला लेंगे लोग, जिम्मेदार लोग, कि करना क्या है, धरना वापिस स्थापित करना है, किस तरीके से अपना विरोध जताना है। लेकिन जितना मैं महसूस करता हूँ, चोट लगी है सबके, किसी के टांग पे लगी, किसी के सर पे लगी, लेकिन सबसे बड़ी चोट लगी दिल पे। जो ये हमारा जिला रहा, ये किसानों का जिला है, यहाँ आंदोलन में आप सबकी भागीदारी हमेशा रही, कभी लाठी नहीं चली आप पे। ये इनका अहंकार है, इस अहंकार को मिटाने के लिए दोबारा किसान मजदूर एकता को स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। किसान कहीं किसी निगाह से कमजोर नहीं, किसान का बदन लोहा है और उसका दिल, उसका हृदय सोना है। किसान बस आपको इतना करना है कि गांव में जाके उसे छूने की जरूरत है। यहीं से मैं जाऊंगा मुजफ्फरनगर, वापसी पे समय की ऊपर है क्या फैसला वहां लिया जाता है, लेकिन मेरी इच्छा ये भी है कि आसारा भी जाऊं, वहां भी चोट लग रही लोगों को, कपड़ेपुर में भी खबरें मिली, और संभवतः सबसे मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि बड़ौत की वो तस्वीरें सबने देखी है, सबने देखी है, पूरे देश में चर्चा चल रही है। रात के अंधेरे में ऐसे, और सबको चोट लग रही है, वो बुजुर्ग है, जवानों को चोट नहीं लग रही, वो किसान है, सोते सोते उनको उन पर डाका डाला गया। सरकार पे मैं धिक्कारता हूँ ऐसी सरकार को। अब वह जो पुलिस कर्मी भी थे उन्हें लिहाज रखना चाहिए, उन्हें थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी, उनका व्यवहार भी निंदनीय है, उसकी भी आलोचना करता हूँ। वहीं जयवीर जी खुद वकील हैं, यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, हम अपनी वकालत कैसे करेंगे, हमें क्या आवश्यकता है उसको भी पूरा करो, मेडिकल जांच करानी हो, जो भी कमियां उनको दूर करके, जिसकी भी चोट लगी है उसका सम्मान होना चाहिए। मेरी तो इच्छा थी आपको मैं माला पहनाता, लेकिन शब्द रूपी माला मेरी समझ लो, ये वक्त कमजोरी का नहीं, हमें आगे औरों को भी दिखाना है कि हम जितने थे उससे ज्यादा बढ़ के आए, वरना लोग समझेंगे नीचे तक वो असर जाएगा, कोई विरोध नहीं कर पाएगा। सिर्फ किसान में लड़ने की क्षमता है, सिर्फ आप में लड़ने की क्षमता है, अगर आप घर बैठ गए तो ये देश उजड़ जाएगा। तो देश हित में यही है, हम लोग आंदोलन की रूपरेखा तय करें, किसान संगठन जो लोग हैं वो जहां भी खड़े हैं, जहां भी बैठे हैं, डटे हैं, उनका सहयोग करें। और चौधरी साहब ने जो बात कही, बहुत बड़ी बात कही, कि ये किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न, इससे बड़ी कोई चुनौती नहीं। और जहां तक वे तस्वीरें जो वहां की आई, ये भी बात चर्चा हुई कि चुनाव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन साथ थे कौन नहीं थे, उस बात पे गौर करने की जरूरत नहीं। हमारे जो संस्कार रहे हैं, आप जब किसी को भावुक होते देखते हो, सामने वाला देख के भावुक हो जाता है, ये हमारी मानवता है, ये इंसानियत है। और ऐसा समय आ गया, हम लोग नारा ले रहे हैं किसान एकता का, किसान एकता जिंदाबाद, ये नारा किसको बदला लगेगा, सबको अच्छा लगना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए, इसी में देश की ताकत है। सामने वाले नारा ले रहे हैं, लठ चलाओ हम तुम्हारे साथ हैं, किस पर लठ चला रहे हो, किसे कुचलना चाह रहे हो, तुम किसे देशद्रोही साबित करोगे, किसान को, ये संभव नहीं है, ये पत्थर की लकीर है, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, इससे हम हटने के नहीं। मैं आप सबको भी आह्वान करूंगा, जो सक्षम हो, जो जहां खड़ा हो, जिसका जो दायरा हो, उसमें घुस जाओ। इसके बाद अरंडी का स्टैंड क्या है? हम किसानों के साथ हैं, मसला करते हैं,
लाठी का प्रयोग कभी नहीं होता, लाठी से देश चल नहीं सकता। सरकार का इकबाल होता है उसने खो दिया। मोदी साहब अगर कोई नैतिकता नहीं बच रही सर, अगर किसान धरना करेंगे तो आरएलडी साथ है उनके बागवत में? बिल्कुल सर, पहले के साथ थे, मैं छोड़ता रहा तो सर, और ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत काम किया गया टारगेट कर। जो लोग कहते हैं ये हारे हुई पार्टी है, हारी हुई पार्टी है, चुनावी तो हारे हैं, दिल नहीं हारे, और हमारा दिल धड़कता है बागपत के लिए, बड़ौद के लिए, किसानों के लिए। राकेश टिकैत ने रात कहा है कि नंद किशोर गुर्जर एक विधायक है गाजियाबाद में, उसके लोग और वो खुद किसानों को पीट रहे थे। मेरी अपील है कि हर मतदाता अभी सोचे, मैं ये नहीं कह रहा बहुत लोगों ने वोट दी थी भाजपा को, तभी ऐसी मेजोरिटी उनको मिली, बहुमत मिली है, लेकिन अब दोबारा पुनः इसको विचार करें किस मुद्दे पर उन्होंने वोट किया था, क्या आज हो रहा है, क्या ऐसे लोगों को चुना था उन्होंने, क्या उन्होंने सोचा था कि ऐसे लोग सदन में बैठेंगे। ये सरकारी अगर हिंसा होती है तो उसका कोई उपाय नहीं, अपराधी हिंसा कर सकता है, उसे सजा मिलती है, कानून के राज में संविधान है, सजा मिलेगी ना, पकड़ो उसको, सजा दो। लेकिन यहाँ अगर सरकारी तत्व ही गुंडा तत्व बन जाए तो फिर जनता पर क्या उपाय है? रात से अब तक जो हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम सवाल नहीं पूछ सकते, हम सरकार का विरोध ही नहीं कर सकते। रात से अब तक जो घटनाक्रम हुआ, क्या सियासी बदलाव की बैर नजर आ रही है आरएलडी को भी? सियासी बदलाव में हृदय परिवर्तन किसान का होता है, किसान का बहुत बड़ा दिल होता है, किसान दो मिनट में रो पड़ता है और रोते हुए को दो मिनट में गले लगा लेता है, ये बहुत बड़ा हृदय है, ये पहचान किसान की है, आम किसान की। तो जो कुछ भी हुआ, जो तनाव वहाँ गाजीपुर में पैदा हुआ, उसे देखकर देश भर का किसान ये महसूस कर रहा है अब वक्त आ गया खड़े होने का, अब वक्त आ गया एक दूसरे का सहयोग करने का। थैंक यू। देखिए योगी जी कहते हैं ठोक दो, यहाँ तक न्याय की बात हो, ये न्याय संगत बात है, ना किसान के साथ न्याय हो रहा है, ना किसी वर्ग के साथ, और अब वे ठोकने चले हैं किसान, अब वे किसान को ही देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है, इनका व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा बागपत में कभी नहीं हुआ, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया कि बड़ौद का किसान ऐसे सोते सोते किसान को जगाने की भी जरूरत नहीं समझी उन्होंने और लाठी चलानी शुरू कर दी, और इसके बावजूद इसके बाद भी प्रशासन ये कह रहा है कि तो स्वतः उठे, शांतिपूर्वक उठे। योगी जी के शासन में शांतिपूर्वक का मतलब लाठीचार्ज होगा, जो जिम्मेदार लोग धरने को चला रहे थे किसान थे, और इतने समय से उन्होंने चलाया है तो बेखूबी चलाया है, कोई समझदार भी है वो उचित फैसला लेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है लोकल के वर्कर की, लोकल के नेता की जिम्मेदारी बनती है उनका साथ। गाजीपुर में आप पहुंच गए